हाय, मैं हूँ सुरभि। अनुपम आहार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कच्चे आम की लौंजी। वो भी फटाफट सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार करेंगे, बहुत आसानी से। फ्रेंड्स, यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं, केरी की लौंजी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। केरी की लौंजी या चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के कच्चे आम या रॉ मैंगो ले लिए हैं, इसे केरी भी बोला जाता है। और हाफ बाउल लिया है शुगर। काटने के बाद जो रॉ मैंगो होते हैं उसकी क्वांटिटी जितनी होती है उससे हाफ क्वांटिटी में शुगर लेना है। यहाँ पे आप शुगर की जगह गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 3 to 4 स्पून ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, इसकी जगह आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। 1 स्पून नमक और 1 स्पून रेड चिली पाउडर लिया है। मसालों में मैं और ले रही हूँ जीरा, राई, मेथी दाना, अजवाइन, सौंफ, काला नमक, ये सब कुछ मैंने ले लिया है हाफ हाफ स्पून, और 2 चुटकी हींग। ये मसालों की क्वांटिटी मैं 2 बड़े कच्चे आम के हिसाब से ले रही हूँ। अगर आप ये चटनी ज़्यादा मैंगोस की बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से मसालों की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। चलिए बनाना चटनी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले, यदि फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पर एक कढ़ाई गरम करने रख दी है, उसमें मैं ऑयल डाल देती हूँ और ऑयल को थोड़ा सा हम गरम होने देते हैं। ऑयल गरम हो गया है, इसमें हम सबसे पहले हींग डाल देते हैं। उसके बाद एक एक करके सारे मसाले, राई, जीरा, मेथी दाना, अजवाइन और सौंफ डाल देते हैं और इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए इनको थोड़ा सा पकने देते हैं। इसके बाद हम इसमें कच्चा आम डाल देते हैं और उसको भी इन मसालों के साथ मिक्स कर देते हैं। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और काला नमक भी डाल देते हैं और इन सबको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब आधा से 1 मिनट इन मसालों को केरी के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए हम थोड़ा सा पका लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी से बनकर ये चटनी तैयार हो जाती है। और गर्मियों में तो इसका इस्तेमाल हम पराठों पे, पूरी के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हैं। कई बार हमें सब्ज़ी पसंद नहीं आती गर्मियों में, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम थोड़ी सी सब्ज़ी के साथ ही चटनी बनाकर इसका इस्तेमाल करें। और दूसरा, हम ये चटनी बनाकर 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल करते रह सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। थोड़ा सा इन मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जितनी क्वांटिटी में हमारा कच्चा आम था उतनी ही क्वांटिटी में इसमें अब मैं पानी डाल रही हूँ। ये 1 बाउल था तो मैं 1 बाउल पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद पानी को भी अच्छे से इन सब के साथ मिक्स कर लेते हैं और गैस सिम कर एक उबाल आने देते हैं पहले इसको। एक उबाल आ गया है। एक उबाल आने के बाद गैस को हम सिम कर देते हैं और इसको एक प्लेट से ढककर 7 से 8 मिनट के लिए थोड़ा सा पकने देते हैं, जिससे ये कच्चा आम थोड़ा सा गल जाए। उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो चलिए इसको ढककर रख देते हैं। अब काफ़ी अच्छे से कच्चा आम पक गया है। ये देखिए, इसको इस तरह से स्पून से हम थोड़ा सा तोड़ के देख लेते हैं। ये हाफ इस तरह से कट हो जाता है, इसका मतलब ये अच्छे से पक रहा है। और अब इसमें हम डाल देते हैं शुगर और गैस को कर देते हैं फिर से एक बार फुल। शुगर को अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं और फुल गैस रखते हुए शुगर को थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं पहले। शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी क्वांटिटी में पानी है तो हमें फुल गैस पर थोड़ा सा इसको इस तरह से खुले में ही पकाना होगा ताकि इसका थोड़ा सा ये पानी सूख जाए। अभी देखिए, खुले में ही इसका काफ़ी सारा पानी सूख गया है। अब इसे मुश्किल से हम लास्ट में 1 मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, बस 1 मिनट बाद हमारी केरी की लौंजी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसका बिल्कुल पूरा पानी मत सुखाइए, थोड़ा सा पानी रहने दीजिए क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, फिर नहीं तो अगर पूरा पानी सूखेगा तो ये जमने लगेगी। तो चलिए गैस ऑफ कर देते हैं और इसे किसी सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी टेस्टी केरी की लौंजी या चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी मुश्किल से 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि क्या बताएं। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए। जल्दी ही मिलते कोई अच्छी नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाय।